हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइज, आज की जो वीडियो है वो कुछ ऐसी रहने वाली है कि मतलब सोचो आप कहीं किसी जगह पे अगर एंटर कर रहे हो आप, और एकदम से आपको बहुत ही सड़ी गली सी एकदम बेकार सी स्मेल आ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप वहाँ पर जाना पसंद करोगे क्या भाई? नहीं करोगे ना पसंद। तो कुछ ऐसा ही आज टॉपिक रहने वाला भाई इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर जा रहे हो जहाँ पे आपका पेट भी आपने ले गया है, या आप फैमिली पूरी जा रही है और वहाँ पे कुछ खाया पिया और बहुत चीज़ें रह गई उसके अंदर, आपने वॉश नहीं कराई है गाड़ी एकदम से, और फ्रिक्वेंटली आप इतनी ज़्यादा गाड़ी की केयर भी नहीं कर रहे हो, और आप ऑफिस जाते हो डेली, पहले दिन आप बड़ी पिकनिक मना के आए और दूसरे दिन गाड़ी में गए और याक एकदम से स्मेलिंग कार, मतलब एकदम से आपका मूड सारा ख़राब हो जाए। मतलब पूरा इंसान का जो दिमाग है ना यार, रिमेम्बरिंग, मतलब इंसान, एक रिसर्च भी है कि भाई सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो इंसान है ना, उस स्मेल से, फ्रेग्रेंस से जो है वो रिमेंबर रखता है अपने मोमेंट्स को, याद रखता है। तो फॉर एग्जांपल, हर एक स्मेल का एक अपना है। जब भी कोई आप स्मेल करोगे तो यार उस दिन ऐसा हुआ था, ये स्मेल मेरी ऐसी है वैसी है, लकी है, या मैं किसी से मिला था, तो कुछ इस तरह की बातें हमारे दिमाग में एकदम से आ जाती हैं। तो भाई इसी चीज़ को बचने के लिए है ना, तो कार में भी बहुत सारी जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट होने लगी हैं, फ्रेग्रेंस आई, ये आया वो आया। तो गाइस, उसी में से एक फ्रेग्रेंस है एयर डॉग की। तो अब एयर डॉग को यार भाई इतना कोई मैं ये नहीं बोलने वाला कि बहुत ज़्यादा वेल नोन और बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है एक तरीके की, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज गाइस हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एयर डॉग की फ्रेग्रेंस क्या सच में बढ़िया है, क्या आपको ये सच में ये जो प्रोडक्ट है एयर डॉग का वो लेना चाहिए। गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं, पहले आपको फेमिलियर कराते हैं एयर डॉग की परफ्यूम से। तो दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो है एयर डॉग की जो परफ्यूम है मैंने यहाँ पे माउंट कर रखी है, और इसके नीचे डबल टेप के थ्रू यहाँ पे माउंट होती है। तो जो उसके साथ एक टेप आती है उससे तो काफी डिफिकल्टी हुई मुझे यहाँ पे लगाने में, बट एक चीज है कि यहाँ पे अगर डबल, मतलब उसको डबल लेयर करके आप लगाओगे, एक डबल टेप इसके अंदर आती है, एक और लगानी पड़ेगी, तो आपको जो है इजिली ये माउंट हो जाएगा यहाँ पे, और काफी अच्छा है देखने में भी अगर देखोगे तो आप, तो काफी प्रीमियम लगता है। और ये जो इसकी बाहर का जो मटेरियल यूज़ है ये काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है, बट अगर फील ऐसे करोगे तो ठीक है, एवरेज है इसके प्राइस के अकॉर्डिंग, बस ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस प्राइस रेंज के अंदर हम। एयर डॉग की परफ्यूम अगर मंगवाते हो ऑनलाइन तो काफ़ी अच्छी है ये वाली, अगर आपको सीट्रस स्मेल पसंद है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल फ्रूटी एक तरह से स्मेल आपको पसंद है तो आप इसको परफ्यूम को यूज़ कर सकते हो गाड़ी के अंदर। इसकी सेम आप जैसे नारंगी होता है या फिर आप किन्नू संतरा जिसे कहते हैं, उस तरह की इसकी जो है फ्रेग्रेंस है। तो अगर आप उस तरह की फ्रेग्रेंस लवर हो और अपनी गाड़ी में चाहते हो कि भी वैसी फ्रेग्रेंस आए, तो आप ज़रूर इसको यूज़ करिए, काफ़ी अच्छी है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, तो निराश नहीं करेगी आपको ये, आप अगर इतना स्पेंड कर रहे हो और लगा रहे हो अपनी गाड़ी के अंदर, तो काफ़ी अच्छी है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो गाइज, अगर आप इस परफ्यूम को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके अंदर कन्फ्यूजन भी रहती है, तो वहाँ से आपको ईजिली ये परफ्यूम जो है मिल जाएगी गाड़ी के लिए, और हल्का फुल्का सा हमारी भी हेल्प हो जाएगी उसमें, कमीशन हमें मिलती है, तो ज़रूर बाय कर लीजिएगा, लिंक के थ्रू आपको ईजी हो जाएगा और आपका कोई एडिशनल चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा उसके अंदर। तो गाइज, होपफुली आपको वीडियो में अच्छी तरह से जो एयर डॉग है उसका थोड़ा सा पता लग गया होगा कि ये परफ्यूम है कैसी। तो यहाँ पर मैं कुछ एक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस परफ्यूम के। तो गाइज, यहाँ पे देखो, अगर आप गाड़ी में इस चीज़ को लगाते हो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर इसका पड़ने वाला है, क्योंकि फ्रेग्रेंस आपकी गाड़ी में अच्छी आएगी जब भी आप गाड़ी के अंदर जाओगे। तो गाइज, अभी मुझे ये नहीं पता क्लियरली कि कितने लंबे टाइम तक जो है लास्ट करेगी, हाँ इतना यही ज़रूर है कि एक रियल एक्सपीरियंस है कि भाई हाँ, जैसे मैं गाड़ी में जाता हूँ तो फ्रेग्रेंस चली रहती है, तो वहाँ पर किसी भी तरह की जो बैड फ्रेग्रेंस है वो नहीं आती है। ऐसी नहीं है कि भाई तीखी लग रही है और उल्टी, वॉमिटिंग या सर दर्द होगी किसी को, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे इसके कुछ एक नेगेटिव्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो सबसे पहले माउंट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको करेगी, आपको टेप लगानी पड़ेगी डबल करके, डबल टेप को डबल करके लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सिट्रस नहीं पसंद, आपको फ्रूटी टाइप की स्मेल या फ्रेग्रेंस नहीं आपको पसंद नहीं है, तो आपके लिए ये वेस्ट हो जाएगी अगर आपको इस तरह की सिट्रस टाइप की जो फ्रेग्रेंस है वो अच्छी नहीं लगती। तो गाइस इतना ही था, बाकी जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा कोई अच्छी भी नहीं कह सकते, उससे ज़्यादा अच्छा ज़्यादा ना ज़्यादा बुरा कह सकते हैं, मतलब काम चलाओ ठीक है, अच्छा लगता है। तो और भी इसमें फ्लेवर्स वगैरह आते हैं, तो मैंने ये सिट्रस वाला लिया, फ्रूटी टाइप की स्मेल मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने इसलिए ये चीज़ लगाई हुई है। तो गाइस, अगर आपको कोई और इसकी फ्रेग्रेंस लेनी हो तो आप ज़रूर ले सकते हैं,
तो ट्राई कर सकते हैं। बट अगर ये वाली आपको फ्रूटी स्मेल आपको पसंद है तो ये गाइस डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। एक रिकमेंडेड है मेरी तरफ से और एक तरह का गुड प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि पैसा बर्बाद हो जाएगा, बट सिट्रस या फ्रूट टाइप की स्मेल आपको पसंद होना चाहिए। तो होपफुली गाइस इस वीडियो में आपका मैंने एयरडॉग से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। तो मिलते हैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।